नमस्ते सर, मैं ब्लाइंड जूडो से कपिल परमार और मध्य प्रदेश। कपिल बाबू कैसे हो? एकदम मस्त। जय जयकार कर रहा है आपका। अरे सर सर बिल्कुल सर, आप कैसे हो सर? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन देखिए कपिल, आपने सचमुच में हिंदुस्तान को तो पहली बार आपने इतना बड़ा अचीवमेंट करवाया है जी सर। और आप पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने प्राप्त किया है जी सर। आपने तो देश का नाम रोशन कर दुनिया के लोगों को भी महसूस कराया है जी सर। तो आपने एक बिल्कुल नया इतिहास रख दिया है। और आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझसे बहुत सारे ब्लाइंड बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी सर। और मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके भी, और मुझे बहुत सपोर्ट मिला आपका, टॉप साई का सपोर्ट मिला सर, ओजीक्यू का सपोर्ट मिला सर, और मेरे कोच है श्री मनोबर अंजार जी, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं सर। देखिए मैंने तो देखा है कि पैरालंपिक्स में ये जो कोचेज होते हैं ना जी सर, तो मुझे उनको उनको नमन करने का मन करता है। बिल्कुल सर जी, सचमुच में वो आपकी साइकोलॉजी को जानते हैं, आपकी कठिनाइयों को जानते हैं और आपके सामर्थ्य को भी जानते हैं। यानी सचमुच में मैंने तो कभी एक बार उनसे पूछा भी था जी सर, मैंने कहा एक सामान्य बच्चे को सिखाना तो सरल होता है, हाँ सर, आप लोग ये कैसे कर लेते हैं? हाँ तो ये जो कोचिज है, जो पैरालंपिक के कोचिज है जी सर, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनका टैलेंट होता है जी सर। हम लोग सर की बात सही है, आपके कोच का बहुत बड़ा रोल है। मैं सर सेमीफाइनल लूज इसलिए कर गया कि जो स्टेडियम था हमारे जूडो का उसमें क्राउड बहुत था सर, और हर जगह मेरे नाम की गूंज हो रही थी, कपिल कपिल, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया क्या, क्योंकि मैं कोच कोच के साउंड पे वो करता हूँ रिएक्ट। जब अभी जितने मेडल आए ना सर मेरे इंटरनेशनल, तो मैं मेरे कोच के साउंड पे रिएक्ट करता हूँ सर, कि कोच साहब बोलते हैं मार, तो मैं वहीं अटैक करता हूँ सर। इस बार सर अगली बार मैं पक्का गोल्ड लाऊंगा 2028 में। एकदम ट्यूनिंग इतना परफेक्ट होता है जी सर। और आपने जो ब्रॉन्ज खेल रहे थे, हाँ सर, 10-0 से धमाकेदार जीत भी अद्भुत है वही। सर आपने देखा था क्या मेरा मैच? मैं जी देख के अर्जुन को फॉलो करता हूँ। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने और जूडो को इतना सपोर्ट किया सर। मुझे मन से गर्व होता है कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूँ वो तो एक बात है, लेकिन मुझे मन से गर्व होता है जब आप जैसे नौजवान देश का नाम रोशन करते हैं, हाँ सर, तो मेरी खुशी और बढ़ जाती है और मेरा काम करने का उत्साह भी बढ़ जाता है जी सर। सर इस बार आपके लिए गिफ्ट लाएंगे हम, कुछ गिफ्ट लाएंगे, जूडो का ही गिफ्ट लाएंगे। कोई खर्चा नहीं करना है, हाँ सर, ये कंप्लीट कोई खर्चा नहीं करना है, हाँ सर, आप मेडल लगा रहे हैं ना, उससे बड़ा कोई गिफ्ट ही नहीं हो सकता है दुनिया में। सर आपसे अच्छे प्रधानमंत्री हमें मिल भी नहीं सकते सर। देखिए हम सब समान है, देश ऐसा है, भारत माता ऐसी है, हाँ सर, एक से बढ़कर एक लोगों को जन्म देती है, हाँ सर, बस सर आप आइए, प्यार से आइए, हम आपका मेडल को छूएंगे ना, हाँ सर, हाँ सर, सबसे बड़ी मेरी गिफ्ट होगी। बिल्कुल सर बिल्कुल, और हर बार आपसे बात करने का मौका मिले सर, यही हम जी हर बार अपना 100 देंगे जी सर। जी सर देखिए आपके पिताजी ने कड़ी मेहनत करके, हाँ सर, आपकी जिंदगी को यहाँ तक पहुँचाया है जी। जी जी सर, और मैं तो कहूँगा देश के लोगों के लिए कपिल बड़ी प्रेरणा है कि सामान्य परिवार कठिनाइयों से जिंदगी गुजारी जी सर, स्वयं को इतनी तकलीफ है और इतना बड़ा परिणाम दिया जी सर। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सर।